प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। भाजपा नेता कालीचरण सराफ मालपुरा पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर कांग्रेस की गहलोत सरकार सचिन पायलट पर निशाना साधने के साथ ही दंगों को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि राजस्थान पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, न कि दिल्ली के चक्कर लगाए जाने की जरूरत है। कालीचरण सराफ ने क्या कहा मालपुरा पहुंचकर कर्फ्यू के दौरान, सुनिए कालीचरण सराफ की जुबानी। सचिन पायलट जी क्या बोलते हैं और अशोक गहलोत जी क्या बोलते हैं कोई पता नहीं, इसलिए कृपा करके कांग्रेस के लोग एकजुट हों, एक मंच पे बैठें और उनसे ये काम नहीं होता तो हमको बताएं, हम उनको एक कर देंगे। देख लो, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल राज रहा, एक दंगा नहीं हुआ राजस्थान में, और जब से इन कांग्रेसियों का राज आया है आए दिन समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि आज फलानी जगह दंगा, आज फलानी जगह तोड़फोड़, आज फलानी जगह ये गड़बड़, या दंगा हमने करवाया। मुस्लिम समाज के लोग तो कांग्रेस को वोट देते हैं, शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, क्यों पत्थरबाजी की, किसने की पत्थरबाजी? जयपुर शहर में हरिद्वार के लिए यात्री जा रहे थे, वो वहां पर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहे थे क्या? उनकी बस में तोड़फोड़ किसने की? केवल और केवल कांग्रेस के जो सत्ताधारी लोग हैं उनके इशारे पे इस प्रकार की घटनाएं केवल बहुसंख्यक समाज को आतंकित करने के लिए की जा रही है, जिसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 86 बार वो सोनिया गांधी के दरबार में ढोक लगाने के लिए गए, और हमने तो ये तक कहा है कि यदि उनके पास होम मिनिस्ट्री के लिए कोई लायक आदमी नहीं है तो वो हमको बताए, हम उनको आदमी दे देंगे। यानी होम मिनिस्टर के लिए, यानी कोई होम मिनिस्टर के लायक आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने वो ले रखा है और वो हर महीने में 10 बार दिल्ली ढोक लगाने जाते हैं। कानून व्यवस्था केवल मालपुरा की नहीं, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर व्यवस्था है, और आपस में सरकार अच्छी तरीके से चलती है जब वहां एक पावर सेंटर होता है, यहां दो दो पावर सेंटर है। हिंदू समाज के लोगों को जो आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है वो नहीं चलेगा, तो ये झूठे मुकदमे जो बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। ये 3-4 बातें हैं और ये शांति करने के लिए। और फिर हमने पूछा कि आपने कर्फ्यू लगाया, आजकल तो बहुत साधन है, इन्होंने कहा सोशल मीडिया का मामला है तो इंटरनेट बंद कर देते। आज कश्मीर में इंटरनेट बंद है, बिल्कुल शांति है वहां पर, कोई एक भी कोई घटना नहीं हुई, तो यहाँ ये सीधा कर्फ्यू लगाए जाने का क्या मामला था, क्या था, क्यों लगाया कर्फ्यू? केवल जनता को आतंकित करने के लिए और अपनी लापरवाही छुपाने के लिए ये इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है ये किसी भी हालत में क्षम्य नहीं। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड